नमस्ते भारत, भारत न्यूज 24। आज समझे कि बिहार में ऐसा सुशासन की सरकार में यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल की मनमानी चल रही है। इसी मनमानी के बीच में एक हम आपके सामने एक कहानी बताने जा रहे हैं कि यह जो कहानी है समझिए कि एक ऐसा परिवार के साथ है जिसमें हॉस्पिटल वाले कहते हैं क्या कि आप पैसा दीजिए और आपको हम पारस में नौकरी लगा देंगे। और उस हॉस्पिटल के जो मालिक है उनका काम करने का तरीका अलग है, वो मोटी रकम भी ठगते हैं। उस हॉस्पिटल का नाम है श्री सिद्धि विनायक पॉलीक्लिनिक और हम यहाँ पे बात करेंगे मैडम से जिनके साथ दिक्कत हुआ। मैडम क्या क्या दिक्कत हुआ हमारे चैनल के माध्यम से बताइए। हाँ मैम नमस्कार प्रणाम। हमसे मतलब हम इस गली में रहते हैं, वो भी मोहल्ला में रहता है। हम लोग जाते थे दूध लेने, तो वो भी जाता था दूध लेने सुधा बूथ पे। तो हम लोग जाते थे तो वहीं बातचीत होने होते होते जीना पर्ची हो गया। तो हम बोले कि भैया हमको इतना प्रॉब्लम है कि आप हमको नौकरी लगवा दीजिए इनको। तो बोला कि लगवा देंगे, आप 50,000 रुपये दीजिए। तो हम बोले कि ठीक है, हम आपको 50,000 रुपये देंगे, नौकरी लगवा दीजिए उसके बाद। तो बोला कि बेगर पैसा का काम नहीं होगा। तो हम उसको 30,000 रुपये दिए। बोले कि 20,000 काम होने के बाद देंगे। तो 30,000 हमसे वो रुपया ले लिया। बोला कि नौकरी नहीं होगा तो हम 6 महीना में रिटर्न कर देंगे। तो 6 महीना बीत गया, पैसा रिटर्न नहीं हुआ। साल भर हो गया, नहीं हुआ। तो हम अपने एक दिन हस्बैंड से बोले कि आप चलिए। तो हम लोग जा रहे थे उसी के पास पैसा लेने। तो हम लोग उसके क्लिनिक से अभी इधर ही थे, पार्क के बगल में। तो वो मिल गया, बोले कि भैया मेरा पैसा दीजिए, हम लोग को बहुत ज़रूरी है पैसा की। तो आप नौकरी नहीं लगवाए तो मेरा पैसा दे दीजिए। तो पैसा नहीं दिया, इनका कॉलर पकड़ लिया। कॉलर पकड़ लिया तो हम गए छुड़ाने का। तो मेरे गले में चेन था जो छीन लिया, अभी नहीं है, दो भर का चेन था जो छीन लिया। और लगा मारने, कपड़ा उपड़ा फाड़ दिया और बोला कि नहीं देंगे। हम बोले कि हम पुलिस में रिपोर्ट लिखवाएंगे। तो बोला कि पुलिस प्रशासन में कुछ नहीं करेगा, तुमको जो करना है जहाँ से जैसे करना है कर लो, हम थाना पुलिस को कुछ नहीं पूछते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मैं पूरा का मेरा नाम अन्नु कुमारी है। कहाँ पे आप रहती हैं? हम यही PIT कॉलोनी डॉक्टर शांति राय। पुलिस प्रशासन कुछ मदद कर रही है क्या? जी नहीं, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। गए थे पुलिस के पास तुम लोग? क्या हम पुलिस के पास FIR भी लिखवाए हैं, पुलिस कुछ नहीं कर रहा है। 16-17 दिन हो गया और वो लोग कोई एक्शन नहीं ले रहा है। इसमें सर हम लोग FIR भी करा चुके हैं, प्रशासन को भी खबर दे चुके हैं, मोबाइल पर धमकी भी तरह तरह के दिलवा रहा है, जो कि 2 नंबर से अवैध नंबर से फोन आया कि अगर केस उठा लो और नहीं तो तुम लोग को जान से मरवा देंगे। हम जो केस के आयु हैं उनको जाकर के ये बात बताए। पुलियाम घूम रहा है और तरह तरह के नंबर से घर वाला मेरा नंबर पे परेशान कर रहा है और बोलता है कि बाहर निकलोगे मरवा देंगे हम जान से, तुम्हारे डेरा पर पहुंच रहे हैं। हम लोग डरे सहमे हुए हैं, डर के हम सारे सरकार से मदद चाह रहे हैं। हम लोग देखिए ये हम लोग सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जितना जल्दी हो उसका सही जांच हो, उसका जांच करके उसको सजा जरूर मिलना चाहिए। जैसे कि हमारे पास 3 बच्ची हैं, 1 बच्चा है, मेरा रोजगार है, सत्तू का दुकान है डॉक्टर शांति राय के सामने, उसी से अपना बाल बच्चा परिवार यापन करते हैं, चलते हैं और दोनों लड़का को अपना पढ़ा लिखा रहे हैं। इसमें हम थाना पर जाते हैं बार बार यही मिलती है कि नहीं उसको अरेस्टिंग होगी, उसकी अरेस्टिंग होगी, और वो बराबर हमको नज़र आता है तो डर भी लगता है कि अकेला कहीं अगर जाते भी हैं, हम ऐसे गाड़ी भी चलाते हैं डॉक्टर लोग का, जाते हैं तो डर से आराम से आते हैं। हम घर पे करते हैं कि हाँ कोई तरह का बात नहीं है। तो पत्नी को मोबाइल पर फोन आया कि तुम लोग या तो केस उठा लो और नहीं तो जान से। क्या नाम आपका सर? मेरा नाम दयाशंकर कुमार। उस समय में सिद्धि विनायक पॉलीक्लिनिक के नाम से चला रहा था। अच्छा। जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर सर वही है, मोबाइल नंबर वही है। ये करीब 2-4 लोगों से भी पैसा ले चुका है, जिसके चलते ये नेम प्लेट बदल करके अब फर्जीवाड़ा में ये चला रहा है और उल्टा में धमकी हमको तरह तरह का आ रहा है। और देखिए ये थाना का FIR है जो कि अभी तक पुलिस चुपचाप बैठी हुई है। और सरकार से हम लोग यही कहना चाहते हैं, चाहे BJP की सरकार है या नीतीश जी की सरकार है, हम लोग को न्याय मिलना चाहिए।
क्यों नहीं?